हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद आरिफ। हमारा आज का जो है टॉपिक, या आज जो हमने चीज़ कंसिडर करनी है, डिस्कस करनी है, वो ये है कि हम माय फोटो ऐप को यूज़ करते हुए किस तरह से दो या दो से ज़्यादा वीडियोस को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मीन्स जैसे दो वीडियोस हैं हमारे पास, उन्हें हमने कंबाइन करके एक वीडियो बनानी है। तो उसके लिए माय फोटो ऐप विंडोज 10 के ऊपर, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर्च में जाके फोटो, तो हेयर इट इज़ द माय फोटो ऐप। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, माय फोटो ऐप जो है वो मेरी ओपन हो रही है। मीनवाइल आपने ये काम करना है, जब तक ये माय फोटो ऐप ओपन हो जाती है, आपकी जो वीडियोज़ हैं, एक है, दो है, तीन है, चार हैं, ये जितनी भी वीडियोज़ हैं जो आप उसमें रखना चाह रहे हो, जो कंबाइन करना चाह रहे हो, जो मर्ज करना चाह रहे हो, उसे एक फोल्डर के अंदर आपने रख देना और उसकी नेमिंग कर देनी है ताकि आपके लिए इजी हो। लाइक Zoom 00, ये मेरी पहली वीडियो है। Zoom 1, दिस इज माय सेकंड वीडियो। मैं ये चाहता हूँ कि पहले जो है, जब ये मर्ज हो, तो पहले ये वाला पार्ट आए, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट एक ही वीडियो के अंदर आए। ओके, तो माय फोटो ऐप जो है वो थोड़ा बहुत आपका टाइम लेती है, थोड़ी आपकी जिसे कह सकते हैं कि हैवी एप्लीकेशन है काइंड ऑफ। अच्छा जी, मैं यहाँ से, ये मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर या कुछ वीडियोस के ऊपर जो है वो काम किया हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ वीडियो प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे न्यू वीडियो के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करता हूँ, मीन्स जैसे आई वांट टू ऐड मोर वीडियोस। तो ये यहाँ पे आपके साथ पास सामने एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी आ गई है, और नीचे यहाँ पे स्टोरी बोर्ड आ गए। सिंपली मेरे पास जिस भी फोल्डर में वीडियोस पड़ी होंगी वो मैंने उठा कर ड्रैग करनी है। अब जो आपकी जो वीडियोस दो हैं, तीन हैं, जो भी फोल्डर में पड़ी हैं, वो उठा के आप ड्रैग करके, मतलब मीन्स जैसे मैं यहाँ से वीडियोज उठाऊंगा, यहाँ से वीडियोस उठाऊंगा, ड्रैग करके माय फोटो ऐप में इस पोर्शन में ऐड करूंगा। अब जो मेरे पास कंबाइंड वीडियो बनेगी, पहले मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कंबाइंड वीडियो। ओके, इसे मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे मैंने वीडियोस ऐड करते हैं। आप ऐड का बटन से भी क्लिक करके भी कर सकते हो, या फिर इसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से वीडियो को क्या कर दो, दोनों को सिलेक्ट करके इन्हें ड्रैग करके फोटो ऐप के अंदर आप ले आओ, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर ले आओ। अब ये प्रोजेक्ट लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास दोनों वीडियोज जो हैं वो आपकी ऐड हो गई हैं, ठीक है जी। अब इस वीडियो के ऊपर अगर मैं लेके जाता हूँ, तो यहाँ ऊपर शो कर रहा है Zoom 00, और इसका जो है Zoom 1। अब मैं इस वीडियो को पहले लाना चाह रहा हूँ, तो ये स्टोरी बोर्ड में मैंने पहले रख दी है, इसे ड्रैग करके नीचे लेके आना है, और ये मैंने स्टोरी बोर्ड में जो है वो बाद में रख दी है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको प्ले करूं, यहाँ पे देखें जो भी वीडियोस हमारे पास, मैंने दोनों इन दो कॉलम्स में रखी, इन दो स्टोरी बोर्ड में रखी थी, वो वीडियोस अब यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है जी, मतलब मर्ज फॉर्मेट में। तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा जाता हूँ, जो सी वीडियोज इनको पहले मैं सेपरेटली प्ले कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल सके। लाइक दिस वन, इसकी मैं लाइक दिस वन 9 मिनट्स 28 सेकंड की वीडियो है, ठीक है। और ये देखें मेरी वीडियो यहाँ पे ये कंप्लीट हो रही है, ठीक है जी। अब मैं वीडियो 2 जो है उसके ऊपर जाता हूँ, तो ये देखें जी मेरी ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये वीडियो जो है वो 27 मिनट की है, 9 मिनट 28 सेकंड की एक है, और 27 मिनट 51 सेकंड की एक है। तो ये को कुल मिला के मेरे ख्याल से कोई 35 से 36 मिनट की मेरी वीडियो बननी चाहिए, ठीक है जी। अब मैं दोबारा माय फोटो ऐप पे जाता हूँ, ये दो वीडियोस मैंने ऐड कर ली थी, मैं देखें जी ये मेरी पहली वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इसको देखें, तो 9 मिनट 28 सेकंड, लाइक मेरी वीडियो कहीं यहाँ जाके जो है वो कंप्लीट हो रही थी, ठीक है, पहली वीडियो। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो मेरी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, ये देखें जी ये दूसरी वीडियोज का कंटेंट है, और दूसरी वीडियो मेरी यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये अब हमारे पास जो है वो दोनों वीडियो जो है वो कंबाइन हो गई हैं, ठीक है जी। जब कंबाइन हो गई हैं, तो फिर आपने क्या करना है, इसको फिनिश करना है।
ठीक है जी। फिनिश वीडियो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे मांगेगा कि आपने किस रेजोल्यूशन में इन वीडियोस को रखना है। आप 720 पे रखना चाह रहे हो, 540 पे रखना चाह रहे हो, इट्स अप टू योर रिक्वायरमेंट। मतलब जितनी हाई रेजोल्यूशन आप रखोगे डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम और इट विल रिक्वायर मोर स्टोरेज ऑन योर हार्ड ड्राइव। ठीक है, मैं इसे 720 पे रख लेता हूँ और इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है जी, तो अब इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, और एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है जी? मैंने मतलब मैं इसे डेस्कटॉप पे, बल्कि ये मेरे पास माय डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर है जूम, और जूम में हमारे पास एक है डीपी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। इस फोल्डर में मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आप किसी और फोल्डर में भी अपनी मर्जी से ब्राउज करके एक्सपोर्ट करना चाहो एक्सपोर्ट कर लो। तो ये नीचे आपकी जो फाइल एक्सटेंशन है, फाइल एक्सटेंशन आपकी MP4 है। ठीक है, इसे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो नाउ इट विल स्टार्ट एक्सपोर्टिंग द वीडियो। इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो हेयर वी गो। ये हमारी वीडियो फिनिश हो गई है, तो ये देखें जी, मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, हमारे पास हमारी जो है वीडियो, दोनों का मर्ज जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हम अपनी वीडियो जो है, दो या दो से ज़्यादा वीडियो जो हैं वो सिंपली विंडो 10 के अंदर फोटो ऐप को यूज़ करते हुए हम मर्ज करके एक सिंगल वीडियो जो है वो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए यही था, आज के लिए यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।